543 कितना होता तो ये वो सामने वाले कैमरामैन तो नहीं है भी हो सकते हैं मुझे तो वही लग रहा है आपके लिए भैया 6 वैसे 3 देख सकती हो जितना दिन का टाइम अगर आप देखोगे तो उतनी भी नहीं दिखेगी क्राउड लेकिन रात में काफी ज्यादा क्राउडेड है एंड काफी अच्छा व्यू भी है तो इसलिए लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं आना और नाइट में तो जैसे कलरिंग तो इसकी काफी अच्छी हो रखी है मतलब हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग आप देख रहे हैं मेरा चैनल हाय अस यानी मुझे देख रहे हैं आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नए ब्लॉग में और सेम एनर्जी के साथ क्या बताऊँ मेरी पूरी टीम है सेम आप देखो यस गौरव भाई है अभी हम जा रहे हैं इंडिया गेट पर घूमने का मन कर दिया था रात का व्यू देखना था रात को कुछ मज़ा मस्ती करने का मन कर दिया था तो चलते हैं हम इंडिया गेट रात को और यार कहना चाहूँगा आप लोगों से यार जो भी ब्लॉग देख रहा है यार हम चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब नहीं करते आप देख के चले जाते हो एक कमेंट करो कि ब्लॉग कैसा लग रहा है मोटिवेशन आता है जब आप कमेंट करते हैं कि हाँ आपका ब्लॉग अच्छा लग रहा है जो भी है आप कमेंट करते हो थोड़ा सा अच्छा लगता है और ब्लॉग बनाने का दिल से मन करता है अभी चल रहे इंडिया गेट पर कुछ दिखाएंगे आप जहाँ से भी देख रहे हैं फॉलो सब्सक्राइब करो यार करो तभी मज़ा आएगा यार जब सब लोग इतने लोग आएंगे ना फिर साथ में मज़ा आएगा काम करने में अभी गौरव भाई देखो छुप छुप के खा रहे हैं मुझे नहीं खाना है यार गौरव भाई दिखा के मत खाया करो अभी चलते हैं इंडिया गेट पे चल के बात करते हैं मैं नहीं खाऊंगा भाई क्या हाल है सबके हाय क्या हाल है बढ़िया भैया बढ़िया बढ़िया कहाँ घूम रहे हो आप लोग ऐसे आए थे पेपर देने किस चीज़ का पेपर चल रहा है सेल OCTT का आए थे इलाहाबाद से अच्छा इलाहाबाद से यार प्रयागराज से आए हो प्रयागराज से चलो मैं बस इंडिया गेट हम घूमने निकले थे हम लोग भी उधर ही जा रहे हैं उधर ही जा रहे हो चलो फिर चलो और मज़ा आएगा फिर काफ़ी और भाई हमारे चल रहे हैं इंडिया गेट इनको भी साथ ले चलते हैं और घुमाएंगे इंडिया गेट दिखाएंगे आज बहुत मस्ती होने वाली है आप लोग देखो वीडियो और फाइनली अभी हम मेट्रो से आगे बाहर आके इंडिया गेट पहुँच चुके हैं इंडिया गेट आने के बाद रात को मतलब अलग ही यहाँ का माहौल होता है अलग ही फीलिंग रात की यहाँ पर होती है जो लाइटें यहाँ की मतलब होती हैं स्पेशली काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं कुछ तो खाना लेके आते हैं यहाँ पर खाते हैं और इन्जॉय करते हैं आप यहाँ पे खेल सकते हो बहुत सारी मस्तियाँ कर सकते हो आगे आगे चलते हैं दिखाते हैं आगे आगे क्या शाम हो चुकी है लाइटें पूरी जल चुकी है चलिए कुछ इसका व्यू दिखाते हैं आप लोगों हमारे साथ हमारे चार लौंडे हाय गाइस हेलो कुछ कहना चाहते हैं आप लोग इंडिया गेट आए हैं गाइस पूरा आपको एक्सप्लोर करेंगे दिखाएंगे मस्त एकदम नाइट व्यू काफ़ी शानदार होता है चलिए देखते हैं आगे और यहाँ आना है तो आप केंद्रीय सचिवालय आराम से आइए मेट्रो येलो लाइन पर है और 3 नंबर गेट से एग्जिट होके सीधा मतलब इंडिया गेट पे गिर जाओ आप सीधा आगे चलते हैं और दिखाते हैं काफ़ी सारी यहाँ पे क्राउड आई है अभी अपना चेकअप करा के मतलब चेकअप नहीं मतलब चेकिंग पॉइंट से चेक करा के चेकअप बीमारी नहीं हुआ चेकिंग पॉइंट से चेकअप करा के हम अभी आ चुके हैं अंडरग्राउंड पास में है जो इंडिया गेट को के पास कनेक्ट करती है मेन रोड से कनेक्टेड है इंडिया गेट तो उस पर जाना वर्जित है क्योंकि काफ़ी सारी गाड़ियाँ चलती रहती है तो उस पर जा नहीं सकते हैं और आप ये बोर्ड देख रहे हैं जितने भी सारे बोर्ड लगे हुए हैं तो आप इस पर इंडिया गेट के बारे में जान सकते हैं पढ़ सकते हैं कि कब बना था कैसा है क्या दिखता था पहले कैसा दिखता था अब क्या दिखता है पार्किंग क्या है इसकी मतलब वो पूरा ओवरव्यू यहाँ से जान सकते हैं हम और करीब चल रहे हैं लेके आप लोगों को दिखा रहे हैं चलिए मेरे साथ अभी अंडरग्राउंड पास में है और चलते हैं आप लोगों को अंदर दिखाते हैं देख सकते हैं आप जैसे काफ़ी करीब आ चुका हूँ मैं और यहाँ पर रात को आप क्राउड देख सकते हैं इंडिया गेट पर काफ़ी ही क्राउड है रात का जो व्यू होता है रात का नज़ारा होता है काफ़ी ही अद्भुत होता है जो कि आप यहाँ आते हैं तो आप फील कीजिएगा दिल्ली में जो है वो काफ़ी यहाँ पे आते रहते हैं अपने जो पिकनिक पॉइंट होती है संडे सैटरडे वीकेंड है वो यहाँ पे आके रात को बैठ के काफ़ी इंजॉय करते हैं यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे जगह है जो रात को लोग खाना पीना लाते हैं खाते हैं इंजॉय करते हैं अभी मैं काफ़ी करीब हूँ चलिए और करीब से कुछ लोगों से बात करें बात क्या करेंगे काफ़ी क्राउड है सब अपने आप में बिजी हैं देखते हैं कोई मिलता है तो उनको दिखाते हैं बात करते हैं चलिए अभी हमारे साथ हमारे गौरव भाई हैं इनको लेके मैं घूम रहा हूँ और अल्ताफ भाई देखो कोई काम नहीं है इसलिए हम घूमते रहते हैं देखो हमारे पास कुछ काम नहीं है बस घूमना ही काम है तो चलिए अभी और पास से लेके चलते हैं दिखाते हैं काफ़ी मतलब यहाँ पे कन्याएं काफ़ी आई है तो हमें भी आनंद आ चलो लेके चलते हैं आगे दिखाते हैं
पानी पी लिया भाई, मुझे भी देना यार। चलो यार, कुछ हम कुछ लोगों से जानते हैं कि क्या इंडिया गेट का नाइट का व्यू कैसे है और यहाँ का एनवायरनमेंट कैसे है, रात को मतलब कैसा लग रहा है इंडिया गेट। काफ़ी दिन में तो आप दिन में हर लोग आते हैं, दिन में काफ़ी लोग यहाँ के घूम के जाते हैं, पता रात का अलग ही एक व्यू होता है। पूछते हैं कुछ लोगों से तो हाय। काफ़ी वैष्णवी अंजलि, काफ़ी क्राउड है यहाँ पे अभी और इंडिया का व्यू काफ़ी प्यारा दिख रहा है। और एंड अगर कंपेयर करें हम दिन के व्यू से तो लाइटिंग यहाँ पे रात की जो होती है वो मेनली बहुत अच्छी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नाइट व्यू ज़्यादा बेटर होता है, ट्रेवल करना काफ़ी अच्छा है। और क्राउड के बारे में आप क्या कहोगे? क्राउड तो मैं देख सकती हूँ, जितना दिन का टाइम अगर आप देखोगे तो उतनी भी नहीं दिखेगी क्राउड, लेकिन रात में काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड है एंड काफ़ी अच्छा व्यू भी है, तो इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं आना। और नाइट में तो जैसे कलरिंग तो इसकी काफ़ी अच्छी हो रखी है मतलब इंडिया गेट की, बट जो आउटर जो लाइटिंग है उसके बारे में बताओ थोड़ा, आउटर जो कि अगल बगल में जो लाइटिंग हुई है, जो प्लेस काफ़ी अच्छी लाइटिंग हुई है चारों तरफ, मतलब चारों तरफ पार्क एरिया भी है, आप लोग आके पिकनिक विकनिक भी मंगा मतलब रहे हैं, फैमिली वाले लोग अच्छा है एंड फैमिली के साथ आप आ सकते हो, ऐसे भी आप आ सकते हो मतलब विजिट कर सकते हो। लाइटिंग काफ़ी अच्छी हुई है, मतलब कह सकते हो कि डल नहीं है, काफ़ी अच्छा है मतलब। आप लोग कितने देर पहले यहाँ पे आए हो? हम लोग अभी हो गए आधे घंटे से, हमने मतलब देखे उधर से, हम लोग राष्ट्रपति भवन से उधर से पूरा आए और फिर पैदल ही आए, फिर देखे। और कितना मतलब आप लोग यहाँ पे आधे घंटे से घूम रहे हो, यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है, क्या है? काफी अच्छा है, अच्छा है, सेफ है, अभी तो हम लोग सारे लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो इंडिया में अभी कहीं आप दिल्ली में हो सेफ ही हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट जो एक होता है ना कि आप यहाँ पे हो, लोगों काफ़ी लोग से इंटरेक्शन हो रहा होगा चलते हुए, तो वो चीज़ें एक होती है। ये मतलब ऐसा नहीं लगा यहाँ पे कि आप किसी पे मिले सब कुछ पे मिले लग रहा है, अगर आप किसी से भी कुछ भी हेल्प या कुछ भी पूछ सकते हैं तो आपको बता दे रहे हैं सब कुछ। जैसे काफ़ी लोग मतलब ऑकवर्ड फील करते हैं, कोई मैं ही जैसे आके आप लोग से पूछ रहा हूँ कुछ चीज़ है, तो काफ़ी लोग बताना नहीं चाहते हैं, आप किसी से भी पूछने चाहो अपना बताना नहीं चाहते, जो भी पर्सन रीजन है, बट मोस्टली आपको बता देंगे, ऐसा नहीं है। नहीं वो है, लेकिन काफ़ी लोग जो होता है कि कोई कुछ कैमरा फे भी होते हैं जो कि आना नहीं चाहते हैं, कुछ घर से छुप के आए होते हैं, तो काफ़ी रीज़न है वो भी है। चलो आप लोग यहाँ भी और देर हो या अभी निकलने वाले? नहीं बस हम जा रहे हैं। चलिए, आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा और इतना अच्छा आपने रिव्यू दिया, आप आते हो घूमते हो, रात को अगर आप लोग आके घूम सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई भी फिर कोई भी आके यहाँ पे घूम सकता है। चलिए, आप लोग से मिलकर अच्छा लगा, बहुत बहुत थैंक यू। यार मेरे दोस्त मुझसे बिछड़ गए हैं और काफ़ी मैं दुखी हूँ, उनको ढूंढता हूँ कहाँ है यार, बिछड़ गए हैं वो सब, अभी मैं ले कर चल रहा हूँ उनको ढूंढने के लिए कि भाई कहाँ चले गए मेरे भाई सब, कहाँ हो यार, मिलोगे कि नहीं मिलोगे? नहीं, मिल गया मिल गया। तो गाइस आप लोग क्या कर रहे हैं ब्रो, क्या कर रहे हैं आप लोग? मारा भाई क्या कर रहे हो? बॉल ढूंढ रहे हैं यार, बॉल चलेगी। अच्छा वो अपनी बॉल है, किसने गेर दी उसमें? भाई हमारे अल्ताफ भाई की वजह से ना बॉल चलेगी पानी में। अरे अल्ताफ भाई ऐसा ना करो यार, बॉल निकालो पहले, तो बॉल निकालो, अरे मैं बॉल को दिखा दूंगा। गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरा बॉल डूब चुका है, मैं जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको, उसकी जान बचाते हैं फिर। काफ़ी यार गर्मी है, बहुत गर्मी है यहाँ पे, और क्या बताऊँ गर्मी के मारे हालत ख़राब है। अल्ताफ छूटना नहीं चाहिए, बॉल आना चाहिए उसके लिए, जो भी हो जाए जान दे देंगे उसके लिए। अभी यार इंडिया गेट पर काफ़ी क्राउड है, तो अभी आए हैं मस्ती करते हैं थोड़ा, आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे आज दिन कैसा बीत रहा है, क्या मज़े यहाँ पे मतलब कैसे मस्ती हो रहा है, तो रुक जाओ। माता दी या, काफ़ी यार यहाँ पे काफ़ी मज़ा आ रहा है, रात का जो व्यू है उसको तो हम लोग मतलब उसका आनंद तो ले ही रहे हैं, और साथ साथ हम अपने घर से गेंद लेके आए थे देखो खेलने के लिए यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी स्पेस है यहाँ पे। यार झूठ बोला हूँ, घर से लेकर नहीं यार, एक लड़का खेल रहा था उसे मैंने छीन लिया ठीक है। यहाँ पे यार काफ़ी मज़ा आ रहा है, अल्ताफ भाई कुछ कहो आप। वाकई मज़ा तो बहुत आ रहा है गाइस, नाइट का व्यू है काफ़ी शानदार है, मैं तो आपसे कहूंगा कि एक बार ज़रूर आओ यहाँ पे,
और आप कुछ भी यहाँ पे खेल सकते हो, फुटबॉल लेके आओ, बैट बॉल लेके आओ, या शाम को वॉकिंग पे आओ, या फैमिली के साथ आओ, डिनर करो, जो भी करो। यहाँ पे व्यू तो काफ़ी शानदार है, चारों तरफ लाइट ही लाइट है। अभी तो हमने एक बॉल बीच में पड़ी थी इंडिया गेट के पास, तो जस्ट ऐसे ही हमने उठा लिया है भाई। लंच भी लाया हमने, लंच लाया कुछ, लंच मतलब डिनर ले, डिनर नहीं कहेंगे इसे, थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए लेके आए, नाश्ता पानी हमारे साथ है। अगर भाई आप कुछ कहना चाहते हो? यार यहाँ पे ना अच्छी जगह है, अगर आप अपनी फैमिली के साथ पिकनिक के लिए आओगे ना, बहुत अच्छा है। और सर्दियों में तो यहाँ मतलब भीड़ लगा ही रहता है, क्योंकि धूप और साथ में गार्डन और हरियाली और भी बहुत कुछ है, आप खूब इंजॉय कर सकते हैं, आपका दिन भर का मन नहीं भरेगा। देखिए काफ़ी काफ़ी मतलब इंडिया गेट तो काफ़ी अद्भुत जगह है, मतलब अच्छा एक नज़ारा आता है इंडिया गेट पे, आप फोटो वोटो लेते हैं तो जो भी है। हम पूरा अपना क्या करते हैं सामान लेके आए, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, यहाँ पर रात भर रुकना है हमें। चलते हैं कुछ और भी गार्डन के पास दिखाते हैं, मतलब जो इंडिया गेट के पास लेके चलते हैं, कुछ लोग मिलते हैं उनसे बातें करेंगे। अभी तो बैठे हुए हैं यार, तो हम फुटबॉल खेल रहे थे, उसके बाद सोचे कि थोड़ा बैठ के रेस्ट कर लिया जाए अभी, ठीक है कुछ खाते पीते हैं चलते हैं। आप लोग ऐसे ही वीडियो में ब्लॉग देखते रहो यार, आप लोग अगर कमेंट कर देते हो ना तो मतलब अलग मोटिवेशन आ जाता है कि यार और ब्लॉग बनाने का। चलिए अब खाते पीते हैं फिर चलते हैं और कुछ दिखाते हैं आप लोगों को। चलो काफ़ी सुंदर सुंदर दो लड़कियाँ मिली हमसे, इनसे कुछ लोगों के बारे में जानते हैं, कुछ फ़ोटोज़ हैं हमारे पास, उनको ये 1 to 10 रेट करेंगी, देखते हैं कि इनका चॉइस कैसे है और कैसे रेट करती हैं। इनसे चार फोटोज़ ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, चार फोटोज़ हम दिखाते हैं और पूछते हैं कि 1 to 10 में रेट करनी है कैसे करनी है। ये फ़ोटो हैं, आपके हिसाब से इनको कितना रेट, मतलब कितना रेट करना चाहिए 1 to 10 में, कैसा लग रहा है पहले फ़ोटो बताओ। 5 सही है, 5 के लिए है, मतलब फ़ोटो कैसा है? ठीक है, ठीक है, एवरेज ठीक है भैया, एवरेज है। और हमारे पास इस फोटो को बताओ, और सब 5 ही लग रहे हैं, 5 5 हां भैया, हां 5 या तो सही है, 5 10 किसी को मिलेगा नहीं, देखते हैं ये बता दो, 5 4 3 कितना होता था ये, वो सामने वाले कैमरामैन तो नहीं है, नहीं भी हो सकते हैं मुझे तो वही लग रहा है, आपके लिए भैया 6 वैसे 3 चलो और फोटो में दिखा दूं, ये बता दो भैया ये क्या, अरे मैं नहीं हो सकता हूँ, 5 5 5 हाँ 5 चलो 5 ज़्यादा ही दे दिए, ओके भैया थैंक यू हो गया। मतलब आपने इनको रेट किया, आपने कितना 5 4 और 5 4 3 3 भी था क्या कोई जी, लास्ट वाला लास्ट वाला जो हमें कैमरा वाले भैया लगे, कैमरा वाले भैया 3 नहीं वो नहीं थे भाई, दूसरे लोग थे। आप नया बेसिकली अभी क्या अभी आ रहे हो घूमने के लिए? हाँ जी जी। आप लोग क्या ही से हो? दिल्ली से दिल्ली से हो, तो यहाँ का आपको माहौल कैसा लगा? आप दिल्ली वालों से दिल्ली का माहौल पूछ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा ही है, जरूरी है ना माहौल अभी का कैसा है? दिन में तो काफी मतलब लोग आते हैं बाहर से, अभी भी काफी लोग दिख रहे हैं, तो लोग दिख रहे हैं बाहर से नहीं दिख रहे, बस दिल्ली से ही दिख रहे हैं, दिल्ली वाले हैं काफी, दिल्ली वाले हैं। चलो आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपने रेट करा, देखते हैं कि मैं फोटो डालूंगा, देखता हूँ कि और लोग कितने रेट करते हैं। आप लोगों ने 5 4 और 3 और एक सिक्स था कौन सा सिक्स था कैमरा वाले भैया के लिए। चलो ठीक है, देखते हैं कि मतलब आप लोगों का रेटिंग और पब्लिक का रेटिंग क्या होता है। ठीक है, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। चलते चलते हमें कुछ लड़कियां मिल गई, और हमारे जो तीन दोस्त हैं एक कहाँ से लगा है भाई, तो इनका कहना था कि हमारे फ़ोटो की रेटिंग होनी चाहिए, कि लड़कियां क्या रेट करती हैं हमारे फ़ोटो को। तो मैंने इनकी फ़ोटो ले ली और उन लड़कियों से पूछ लिया कि चलो भाई आप रेट कर दो कि 1 to 10 में आप इनको कितना रेट करती हो। तो मैं फ़ोटो दिखाऊंगा आप लोग कि उसने क्या रेट किया, लड़कियों ने क्या रेट, काफ़ी सुंदर लड़कियां थी, मतलब उन्होंने रेट किया है तो हो ही सकता भाई, क्रीम लगाकर गोरा होना है और सुंदर दिखना है, एजेंडा यही होना चाहिए। तो अभी अब हम घर निकलेंगे, कहीं अब कुछ नहीं करना है, कुछ शूट नहीं करना है, काफ़ी मज़ा आया इस ब्लॉग में, अभी निकल रहे हैं हम। और क्या कहें यार, यार क्रीम लगाओ, क्रीम लगाओ, क्रीम क्रीम लगानी पड़ेगी तो गर्मी। और यार काफ़ी अच्छा मतलब नाइट आउट रहा हमारा, रात को काफ़ी एंजॉय हमने कर लिया, काफ़ी लेट हम ना करते करते अरे 11:30 हो चुका है, घर जाते जाते 12:30 1 तक 1 बजने करीब में हो जाएगा, आराम से मस्ती करते हुए जाना है।
अभी हम निकलते हैं और रेटिंग क्या रहती है आप लोग बता, आप लोगों को भी रेट करना है कि कितने मिलते हैं पॉइंट्स 1 to 10 में। लड़कियों ने तो कर लिया। अभी चीज़ें ऐसी है कि आप जाने का समय हुआ, काफ़ी रात हो चुका है, जो आप भी आते हैं तो टाइम स्पेंड कीजिए। अगर रहना है तो यहाँ पे आप बहुत रात तक रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 12 बजे तक रह सकते हैं। अभी चलने का समय हुआ, चलते चलते कहेंगे आप जहाँ से भी देख रहे हो वीडियो को यार शेयर करना ज़रूरी है, शेयर करो, एक कमेंट तो बनता है वीडियो पर, लाइक सब्सक्राइब जो है वो आपके ऊपर है, करना है तो आप कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसके लिए फोर्स नहीं करेंगे, बट शेयर करना ज़रूरी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कहीं और किसी और लोकेशन पर, तब तक सबको कहेंगे जय सियाराम।